तीन कृषि कानूनों के विरोध में राजस्थान हरियाणा सीमा पर स्थित सुनेड़ा बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चल रहा धरना प्रदर्शन का आज 38वां दिन है। मौलाना अरशद मदरसा मीलखेड़ा राजस्थान की अध्यक्षता में चल रहे विरोध प्रदर्शन में मौजूद मुफ्ती सलीम साकरस रशीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि सुनेड़ा बॉर्डर पर कोर कमेटी की मीटिंग मौलाना अरशद मीलखेड़ा की अध्यक्षता में बुलाई गई है। किसानों ने कहा है कि हम एक नई रणनीति पर विचार कर रहे हैं जिसका खुलासा रविवार तक कर दिया जाएगा। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ मेवाती किसानों ने गुस्सा आक्रोश और करते हुए कहा कि हम सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं, जब तक सरकार तीन काले कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक मेवाती किसान धरना पर बैठा रहेगा। किसान आंदोलन को लेकर जल्दी ही कोर कमेटी एक बड़ा फैसला लेगी जिसका रविवार तक फैसला हो जाएगा। मेवाती किसान आंदोलन में महिलाओं की भी अब भागीदारी देखने को मिल रही है। मेवाती महिलाएं तीन कृषि कानून के बारे में अब समझ चुकी हैं और केंद्र सरकार का डटकर विरोध कर रही हैं। मुफ्ती सलीम साकरस ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि धरने का आज 38वां दिन है। तीन कृषि कानूनों के विरोध में मेवाती किसानों का जोश जज्बा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस धरने में रोजाना सैकड़ों की तादाद में गांव की महिलाएं शिरकत कर रही हैं। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा मेवात की ताज़ा खबरें। ये मेवाती किसान मोर्चा के बैनर तले जो हजरत मौलाना अरशद साहब मीलखेड़ा की सरपरस्ती में उनके नेतृत्व में जो किसान आंदोलन जारी है आज उसका 38वां दिन है। और आप 38वें दिन आप देख सकते हैं कि हमारा जो किसान है हमारे उनका जो जोश और उनका जो जज्बा है वो आपने भी यहाँ देखा और वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी सबसे बड़ी हमारे इस आंदोलन की जो बड़ी खूबसूरती की और हमें जो हौसले देती है वो ये है हमारी माओ बहनों की शिरकत, उनकी हिस्सेदारी। रोज़ाना हमारी माएँ बहनें सैकड़ों की तादाद में यहाँ पहुँचती हैं और न सिर्फ पहुँचती हैं बल्कि वो माली ताउन भी इस धरने में पेश करती हैं अपने जो अपने 20-20 रुपए 10-10 रुपए इकट्ठा करके। आज भी हमारी माओ बहनों ने 510 रुपए इस धरना पर मौलाना अरशद साहब को सौंपे। तो जाहिर सी बात है जब हमारी माओ की हिस्सेदारी हो गई तो यकीनन अब मंजिल करीब है, पता करीब। आज हम कहीं कमेटी की कोर कमेटी की मौलाना अरशद साहब हमारे सदर ने बुलाई है, उसके लिए हम एक नई रणनीति पर विचार कर रहे हैं। हम एक ऐसी बड़ी मूवमेंट देंगे कि मेवातियों का नाम फिर एक पूरे दुनिया के अंदर जाए और एक मैसेज जाए सरकार को। हाँ बिल्कुल हम चुप नहीं बैठे हैं, हम लगातार हमारे अंदर गुस्सा जोश है और हम काले कानूनों को वापसी करा कर लेंगे। हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक ऐसी रणनीति बना रहे हैं। किस तरीके ये महिला की भागीदारी तो काफ़ी दिन से चल रही है और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है कि महिला भी हमारे किसान हैं तो हमारे साथ हैं, हमारे खेतों पर काम करते हैं। उनको भी पता है कि हमारी ज़मीन छिन जाएंगी, हम पर ज़मीन चली जाएगी तो हम ही क्या करेंगे। फिर उनको दर्द है, वो दर्द को अपने इजहार करने के लिए हमारे धरना पर हमारे साथ ही। कब तक धरना ये जारी रहेगा सर? ये तो जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे धरना चलता रहेगा, चाहे 6 महीने लगे चाहे 6 साल लगे।